कांगड़ा के सबसे दुर्गम इलाके छोटा भंगाल में भी कोरोना के संक्रमण ने दस्तक दे दी है। आलम यह है कि यहां की 40% आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। इतना ही नहीं, छोटा भंगाल में स्वास्थ्य महकमे के 2 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तैनात स्टाफ भी इस संक्रमण की चपेट में आ गया है। नतीजन ऐसे हालातों में खुद स्वास्थ्य महकमे की खटिया खड़ी हो चुकी है। कांगड़ा के CMO डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता के साथ इस बाबत बातचीत करते हुए मंडी स्थित मेडिकल कॉलेज नेरचौक का भी सहयोग लेने का हवाला दिया गया है। दरअसल छोटा भंगाल की सीमा मंडी जिले के साथ लगती है, इसलिए यहां के लोगों को कांगड़ा की बजाय मंडी स्थित स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं आसानी से मिल सकती हैं। यही वजह है कि उन्हें वक्त पर सही इलाज मिल सके, इसके लिए मंडी स्थित मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में भी व्यवस्था की गई है। छोटा भंगाल में कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से वहां पर चल रहे पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले बाहर से आने वाले लोगों को बताया जा रहा है। बाकायदा इसकी तस्दीक खुद कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता और जिलाधीश राकेश प्रजापति ने भी की है। एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड करने के लिए 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। जब कुछ कोई केसेस रिपोर्ट हुए, अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे पोस्टेड हेल्थ स्टाफ था वो अपने आप भी पॉजिटिव हो गए। हमें रश इन करनी पड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 2 मोबाइल टीम्स। वहाँ पे उन्होंने लोगों का एग्जामिनेशन किया और बड़े लंबे स्तर पे उनकी जांच की गई। जो मोबाइल मेडिकल टीम्स द्वारा 553 सैंपल्स जो थे कोरोना के लिए टेस्ट किए गए और उसमें से 125 लोगों को जो था ये संक्रमण पाया गया। वहाँ पे उनको होम आइसोलेशन किट्स में पे मिले, इसकी व्यवस्था ऑलरेडी कर दी गई है। वहाँ ऑक्सीजन की दोनों स्थानों पे ऑक्सीजन की उपलब्धता भी करवाई गई है और क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है प्रशासन की मदद से वहाँ पे एक एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की गई है कि किसी को अगर आवश्यक हो हमें मोबिलाइज करना हो तो उसको मोबिलाइज किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यानार्थ भी था ये मामला और उनके दिशा निर्देश मुताबिक, क्योंकि ये मंडी के बिल्कुल साथ लगता क्षेत्र है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि किसी ऐसे रोगी को वहाँ से शिफ्ट करना पड़े तो मंडी उसको नज़दीक रहेगा, तो सरकार से हमें स्वीकृति प्राप्त है कि हम उसको मंडी कोविड केयर सेंटर में भी भेज सकते हैं। नहीं, वो जितने लोग 125 लोग जो हैं ये संक्रमित पाए गए, किसी में भी कोई सीरियस इलनेस अभी तक फॉर्चुनेटली नहीं है। सारे के सारे लोग जो हैं होम आइसोलेशन में हैं, विभाग के द्वारा उनके स्वास्थ्य पे नज़र बनाई गई है और हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सक्षम। वही क्या मतलब जो वायरस स्प्रेड है वो कंटेजियस है। जो लोकल ग्रामीण हैं उनका कहना ये था कि वहाँ पे 2 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो बाहर से आते जाते रहते हैं, तो पर ये उनका एलिगेशन है, बाकी ये बताना मुश्किल है कि कहाँ से वायरस पहुँचा। और पहले भी उस क्षेत्र में हमें छुटपुट मामले जो हैं कोविड के मिलते रहे हैं। और पिछले हफ्ते छोटा बंगाल के एरिया में बहुत सारी पंचायतों में बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकले थे। हमारे यहाँ से टीम्स गई थी चेक करने के लिए। इनफैक्ट वहाँ पे जो पोस्टेड डॉक्टर्स थे, आशा वर्कर्स थी, वो लोग भी पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद से प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए और वहाँ पर मोबाइल यूनिट्स भेजे हैं टेस्टिंग के लिए और वहाँ पर खाने पीने, राशन सामग्री, उपचार के लिए जो भी प्रबंध करने की ज़रूरत है वो किया गया है। एक वहाँ पर मोबाइल यूनिट स्टेशन ही कर दिया गया है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और टेस्टिंग को बकायदा पूरे एरिया को टेस्ट किया जा रहा है। रोजाना 150 से 200 लोगों को टेस्ट किया जा रहा है वहाँ पे। और साथ ही साथ जिला प्रशासन मंडी से भी बात की गई है कि अचानक से कोई इमरजेंसी होती है, ऐसे में पेशेंट्स को छोटा बंगाल एरिया से अगर मंडी भी शिफ्ट करना पड़े तो भी हम शिफ्ट कर सकें। बाकी पकरोला में हमारी एक DCSC ऑलरेडी चली हुई है और अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी लोगों का इलाज किया जा सकता है। वहाँ के 1-2 PHCs में हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, फ्लो मीटर्स और बाकी जो उपचार के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है वो भी हमने पहुँचाया है ताकि इमरजेंसी में किसी का भी ध्यान रखा जा सके।